हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूपीएल स्टॉक, द टुडेज बोर्ड मीटिंग। तो कहीं ना कहीं हम सभी को पता था कि आज बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली, कंपनी इज अबाउट गोइंग टू थिंक ऑन बायबैक एंड ही अप्रूव्स बायबैक एट अ प्राइस ऑफ अप टू 875 रुपीज पर शेयर एंड द करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 689। सो व्हाट्स द टोटल प्रोडक्ट, आई विल टेल यू। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं यूपीएल के शेयर में आज के सेशन में एक बोर्ड की मीटिंग थी जो कहीं ना कहीं बायबैक पे विचार करने वाली थी, जिसका कहीं ना कहीं हम सभी को इंतजार था और यूपीएल के शेयर होल्डर को तो काफी ज्यादा बेसब्री से था जिनके पास स्टॉक थे। और आज के सेशन में वी सी अ हैवी बाइंग इन दिस काउंटर। टुडेज वॉल्यूम इज अराउंड 8.4 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक ऑन एनएससी साइड। और कहीं ना कहीं एवरेज वॉल्यूम्स देखोगे इस स्टॉक के तो अराउंड 2.4 मिलियन वॉल्यूम्स एवरेज है। तो हम सभी को देखने को मिला अराउंड 4 times इसमें वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं, जहां पे एक शानदार तेजी देखने को मिली उठापटक वाली मार्केट में। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में 4% तक की तेजी देखने को मिली हमें आज के सेशन में। 3.62% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ अभी दिखा है। आज का हाई देखें तो 697 है, ऊपर से थोड़ा करेक्ट भी हुआ 1.5%, 689 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा। तो क्या आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए? अप टू 875, 875 पे नहीं खरीदेंगे, अप टू मीन्स 875 तक, 875 के नीचे स्टॉक को वो लोग बाय करेंगे। कोई भी टेंडर मार्केट, टेंडर से बाय नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप टीसीएस का देख रहे हैं कि आपको 4500 रुपीस पे बायबैक टेंडर करने, अपने शेयर्स जो है बिड देनी है, एक्सेप्ट होना हो, वो नहीं है टेंडरिंग करनी है, वी ओपन मार्केट है। ये ओपन मार्केट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक आप भी 689 पे खड़ा है, प्रमोटर्स ने बाय कर लिया, वो डील में आपको सामने आएगा, बट कब आएगा, एक दो दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग खरीदेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको ये पता चल गया कि 875 रुपए से नीचे अप टू 875 तक प्रमोटर्स बाय करेंगे। तो इसकी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, कितने प्राइस का बाय, कितने शेयर्स का बाय है, कितने रुपए का बाय है, बाय बैक आई मीन टू से प्रमोटर्स करेंगे कब तक, और क्या आपको इस स्टॉक में अब पोजीशन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। ये दो क्वेश्चंस हैं। और भी जो भी आपके दिमाग में सवाल हो इस बायबैक से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स 20 के थ्रू। आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का होल्डिंग नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे साथ अपस्टॉक जैसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं, अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, या फिर डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लाइफ टाइम एएमसी फ्री चल रही है हमारी, प्लस कोई भी चार्ज नहीं अकाउंट ओपनिंग का, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा। और सर्विस प्रोवाइडिंग काफी ज्यादा शानदार है, सबसे बड़ा कहीं ना कहीं 80 लाख प्लस कस्टमर का बेस है हमारे पास। अभी बात करें यूपीएल के बारे में, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी बायबैक की डिटेल्स देना चाहूंगा, जो कि काफी ज्यादा नेसेसरी है, जिसके ऊपर वीडियो ही बन रही है। तो यूपीएल के आज कहीं ना कहीं बोर्ड की मीटिंग थी, जो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। टेंडर के थ्रू बायबैक नहीं होगा, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं, जैसे टीसीएस के संग हो रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट से बाय होगा, प्रमोटर्स बाय करेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कितने रुपए का बायबैक है। सबसे पहले कितने प्राइस का है? 875, अप टू 875, दैट मीन 875 से नीचे नीचे कहीं तक बाय करेंगे। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूं, थोड़ा एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाहूं, तो आपको इंफोसिस का बायबैक याद हो अगर 1750 रुपए तक, अप टू 1750 तक उनका बायबैक था, वही हाल है, मार्केट से उठा लेंगे प्रमोटर्स 875 तक किसी भी रेट से। अभी जैसे 689 पे चल रहा है, हो सकता है उन्होंने आज भी बाय कराओ, आज तो अप्रूवल आया तो आ गई होगा बायबैक। एक पर्टिकुलर डेट आई है, वो डेट अभी मेरे सामने नहीं आई है, तो मैं जितनी डिटेल्स है वो देता हूं आपको, मेन डिटेल्स आ गई है। 875 तक शेयर की बायबैक होगा, ओपन मार्केट से होगा, कोई टेंडर नहीं है। ये मुझे ओपन मार्केट वाला ज्यादा पसंद आता है टेंडर के विरुद्ध, क्योंकि टेंडर में सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, ओपन मार्केट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, बट हमें एक चीज पता चल जाती है कि कंपनी खुद खरीद रही है, इतने रेट तक खरीद रही है, यहां भी खरीद रही हो, क्या पता है जिस दिन गिरावट आए उस दिन खरीद रही हो, तो ये सब होता है। 1.26 करोड़ शेयर्स का बायबैक है, यानी 1.26 करोड़ शेयर्स का बायबैक है।
1100 करोड़ रुपए तक कंपनी खर्च करेगी बायबैक पे, कोई भी फिक्स नहीं है ये, क्योंकि कंपनी को खुद नहीं पता वो किस रेट पे खरीदेगी, कितने से नीचे खरीदेगी वो पता है। तो रेट के अकॉर्डिंग शेयर्स की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, प्राइस की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, बट अप टू स्पेंड अप टू 1100 करोड़ यानी 1100 करोड़ से ऊपर बायबैक नहीं जाएगा, नीचे रह सकता है 1-2 करोड़ जो भी हो, 1-2 करोड़ तो क्या मतलब, जो भी हो अप टू 1.26 करोड़ शेयर्स बाय करेगी, क्योंकि 875 से नीचे नीचे करेगी तो किस रेट पे, तो एवरेज निकालना मुश्किल होगा, लेकिन अराउंड अराउंड इसके आसपास, ठीक है। तो ये हो गई बायबैक की डिटेल्स। अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेरी हो बायबैक से रिलेटेड या यूपीएल से रिलेटेड, अभी स्टॉक में बाय करना चाहिए इसके बारे में बताऊं तो ये मेरा पर्सनल व्यू होगा, हो सकता है आप इससे सेटिस्फाई हो ना हो, एग्री हो ना हो, या फिर आपका व्यू कुछ डिफरेंट हो। मुझे लगता है अगर कंपनी खुद खरीद रही है, काफी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है और स्टॉक 17 के पीई पे काम करता है, तो मुझे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक है, स्टॉक पसंद है और मुझे लगता है आपको यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए। नीचे में डिप पे बाय करने की कोशिश करें स्टॉक को, और स्टॉक में आपका 800 जो 875 तक कंपनी का बायबैक है, मुझे लगता है 800 के टारगेट्स के लिए आपको बाय करना चाहिए, जो टारगेट्स मुझे लगता है अगले 6 महीने में मीट होते हुए दिख सकते हैं, अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो अराउंड 15% रिटर्न के लिए आपके लिए मेरी सजेशन होगी बाय के लिए यूपीएल शेयर में, 6 महीने के टारगेट के अंदर अंदर आपको 800 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये मेरी वीडियो यूपीएल शेयर पे बायबैक पे, होप आप सभी को पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।